क्रेस्टवुड नाम के एक छोटे से शहर में ओलिवर ग्रिम्स नाम का एक अनोखा आदमी रहता था। ओलिवर अपने रूखे व्यवहार और उसके चेहरे पर हमेशा बनी रहने वाली उदासी के लिए जाना जाता था। वह एकांत जीवन जीते थे, अपनी किताबों की संगति और अपनी विचित्र कुटिया के शांत एकांत को प्राथमिकता देते थे। एक दिन पड़ोस में एक नया परिवार रहने आया। पैटरसन, एक हंसमुख झुंड, ओलिवर के कठोर बाहरी हिस्से को तोड़ने के लिए दृढ़ थे। उनके मैत्रीपूर्ण व्यवहार के बावजूद ओलिवर दूर ही रहा और सौहार्दपूर्ण संबंधों के उनके प्रयासों को अस्वीकार कर दिया। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, ओलिवर के अमित्र स्वभाव के बारे में अफवाहें पूरे क्रेस्टवुड में फैल गईं। शहरवासियों ने उसके कांटेदार व्यवहार के पीछे के कारणों के बारे में अनुमान लगाया, जिससे उसके चारों ओर रहस्य का बादल छा गया। हालांकि पैटरसन ने पड़ोस के रहस्यमय व्यक्ति से दोस्ती करने के अपने मिशन को छोड़ने से इनकार कर दिया। एक बरसात की दोपहर, श्रीमती पैटरसन ने गर्म चॉकलेट चिप कुकीज का एक बैच पकाया। मूसलाधार बारिश से बेपरवाह, वह अपनी मनोरम कृतियों की एक प्लेट के साथ ओलिवर के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजा खटखटाया, आवाज खाली सड़क पर गूंज उठी। उसे आश्चर्य हुआ, ओलिवर ने बस एक दरार के साथ दरवाजा खोला। अपने लगातार पड़ोसियों को देखकर उसका गुस्सा और भी गहरा हो गया। श्रीमती पैटरसन ने अविचलित होकर प्लेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैंने सोचा कि आप इस उदास दिन पर कुछ घर में बनी कुकीज का आनंद ले सकते हैं। ओलिवर एक पल के लिए झिझका, कुकीज की सुगंध उसके होश उड़ा रही थी। अनिच्छा से उसने जोर से धन्यवाद कहते हुए प्रसाद स्वीकार कर लिया। दरवाजा बंद हो गया, जिससे श्रीमती पैटरसन को उम्मीद हो गई कि ओलिवर के शांत बाहरी हिस्से में एक दरार बन गई है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, पैटरसन ने अपना मिशन जारी रखा और ओलिवर पर दयालुता की वर्षा की। उन्होंने अपने बगीचे से ताजी सब्जियां उसके दरवाजे पर छोड़ दी, उसे पड़ोस की सभाओं में आमंत्रित किया और बदले में कुछ भी मांगे बिना उसकी जर्जर बाड़ की मरम्मत भी की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ओलिवर के दिल के आसपास की बर्फ पिघलने लगी। उसने खुद को अपनी खिड़की से पैटरसन को देखते हुए पाया। उसके शुरुआती तिरस्कार की जगह जिज्ञासा का संकेत आया। शहर ने ओलिवर में बदलाव देखा, उसका गुस्सा नर्म हो गया और उसने दयालुता के उन संकेतों का प्रतिकार करना शुरू कर दिया जो कभी उसके लिए विदेशी थे। एक शाम पैटरसन ने अपने पिछवाड़े में एक छोटी सभा का आयोजन किया। हंसी और गर्मजोशी से घिरा ओलिवर अनिच्छा से उत्सव में शामिल हुआ। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, शहरवासियों ने एक समय के क्रोधी आदमी में बदलाव देखा। ओलिवर ने अपने अतीत की कहानियां, साहित्य के प्रति अपने प्रेम और अपने आत्म लगाए गए अलगाव के पीछे के कारणों को साझा किया। इस रहस्योद्घाटन ने समुदाय को स्तब्ध कर दिया, जिसने उन घावों पर प्रकाश डाला जो ओलिवर वर्षों से सह रहा था। क्रेस्टवुड, जो कभी तुरंत निर्णय ले लेते थे, अब सहानुभूति और समझ के साथ उन्हें गले लगाते हैं। पैटरसन की अटूट दयालुता की शक्ति ने न केवल ओलिवर के दिल को नर्म कर दिया था, बल्कि शहर को एक दूसरे के लिए नई करुणा में एकजुट कर दिया था। अंत में ओलिवर ग्रिम्स क्रेस्टवुड का एक अभिन्न अंग बन गया और पैटरसन ने अपनी अथक दयालुता के साथ उस व्यक्ति की कहानी को शाश्वत क्रोध के साथ फिर से लिखा था। जो सबक सीखा गया वह सरल लेकिन गहरा था। कभी कभी सबसे कठिन बाहरी हिस्सों को तोड़ने और भीतर छिपी गर्मी को प्रकट करने के लिए केवल गर्म कुकीज की एक प्लेट और वास्तविक दयालुता की आवश्यकता होती है।